शाम शाम तो कब गुजर जाती है पता नहीं, रातों को भी अपनों से बिना बात किए ही सोने लगे हैं हम। बहुत खूबसूरत है तो जिंदगी, कहीं ना कहीं तुझे जीना भूलते जा रहे हैं हम। बड़ा आश्चर्य लगता है दोस्तों कि जो इंजीनियर्स हैं वो प्यार भरी शायरी कर कैसे लेते हैं, हम तो नहीं कर पाए। खैर, मेरा नाम रश्मि साबले, पेशे से हूँ इंजीनियर, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, मशीनों से पड़ता है वास्ता, और जो लिखती हूँ वो है आपकी नज़र। मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो उसके कमरे में ज़रूर झांक कर देखिए। मेरे बारे में, मेरा कमरा, ये कमरा जो अक्स है मेरी जिंदगी का, कॉर्नर में पड़ी है एक टेबल जिस पर रखी है कुछ डायरियां, कैद है जिनमें कुछ लम्हे, कुछ पल और कुछ कहानियां, बचपन के खेल और शरारतें। बड़े क्या हुए, बदल गई सब आदतें। ये कमरा जो अक्स है मेरी जिंदगी का, बगल में पड़ी है एक बुकशेल्फ जिसमें प्रेमचंद की निर्मला दबी जबान से बगावत करने को है तैयार। रविन्द्रनाथ ठाकुर की चारुलता और विनोदिनी ने भी किया है साकार, दृढ़ता और साहस की थी ये महिला किरदार। ये कमरा जो अक्स है मेरी जिंदगी का, देखो वहां पड़ी है कुछ जुराबे जिन्हें पहनकर जब सुबह सुबह मैं जॉगिंग के लिए जाती हूं तो सोसाइटी के वो अंकल मुझसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं। वहां कॉर्नर में टंगा है वो छाता जो वक्त बेवक्त मेरे ही शहर की बारिश से मुझे बचाता है। इस बार सोचती हूं वो छाता घर पर ही भूल जाऊं, अरसा हुए बारिश की बूंदों को छुए हुए। ये कमरा जो अक्स है मेरी जिंदगी का। दोस्तों, कुछ दिनों पहले जिंदगी से मुलाकात हो गई। मैंने कहा रोजी रोटी के चक्कर में जिंदगी के अनमोल पल खोने लगे हैं हम। बहुत खूबसूरत है तू जिंदगी, कहीं तुझे जीना ही भूलते जा रहे हैं हम। पहले शाम शाम तो कब गुजर जाती है पता नहीं, रातों को भी अपनों से बिना बात किए ही सोने लगे हैं हम। बहुत खूबसूरत है तो जिंदगी, कहीं ना कहीं तुझे जीना भूलते जा रहे हैं हम। बचपन में शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकला करते थे, अब थोड़ा सा वक्त मिला तो आराम कर लूं, सोचकर सुस्ताने लगे हैं हम। एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर और रक्षाबंधन पर भी डिजिटल राखी भेजकर अपने ही रिश्तों से कतराने लगे हैं हम। बहुत खूबसूरत है तो जिंदगी, कहीं ना कहीं तुझे जीना भूलते जा रहे हैं। जिंदगी ने कहा सुना है कल बचपन मोहल्ले में दिवाली की छुट्टी पर आया है, फोन क्या किया ना मिलने का उसने बहाना बनाया है। मैं भी जिंदगी हूं, कब मैंने हार मानी है, घरों से खींच कर ठहाकों और उस बचपन को निकालना है, ये मैंने मन में ठानी है। मैं भी जिंदगी हूं, कब मैंने हार मानी है। दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी मेरे साथ कि कोई वाक्या भी एक कहानी में तब्दील हो जाता है और वो कहानी एक छोटी सी कविता में। अभी दो दिन पहले ही हुआ यूं कि मैं अपनी एक आंटी के साथ गणपति जी की मूर्ति लेने गई। वहां पर दुकान एक लाइन से थी, पहले दुकान में जैसे ही घुसी आंटी ने कहा चलो दूसरी दुकान से लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। मूर्ति लेकर जब वापस आ रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि अरे वो पहली दुकान जो है ना वो किसी दूसरे धर्म वालों की है। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा दोस्तों, घर आई, चार लाइनें लिखी और जाकर उन्हें सुना दिया और उन्हें याद दिलाया कि आंटी याद है जब आपको कोरोना हुआ था तो आपके खुद के बेटे भी आपको हॉस्पिटल ले जाने से डर रहे थे, तब इसी सोसाइटी के सिद्दकी अंकल आपको लेकर गए थे। सच है ना, कोरोना ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया था,
फिर से वही जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद? क्या फिर से वही गलतियां दोहराने लगे हैं हम? कभी सोचा था हमने किस धर्म का है वो डॉक्टर जिसने किया था इलाज? क्या पढ़ी है उसने गीता या नमाज? कौन था वो जिसने दिया था खून, जिसने बचाई थी जान? क्या था वो पांडे या पठान? न जाने कितनों ने नौकरियों और अपनों को खोया है, फिर भी सुधरे नहीं हम। गले मिलना तो दूर, बिना हाथ मिलाए ही ईद, दिवाली और क्रिसमस मनाने लगे हैं हम। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तू कहीं ना कहीं तुझे जीना भूलते जा रहे हैं हम। थैंक यू। दो दिन बाद आंटी आई, उन्होंने कहा कि मेरे बेटा और बहू है ना, उनको मैंने एक गणपति की मूर्ति लेकर दी है उसी पहली दुकान से। सोच बदल सकती है ना। थैंक यू।